ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो कैसे हो गाइस आप लोग, आई होप अच्छे हो गए और अच्छे ही बने रहना। और भाई आज तो बिल्कुल ही अच्छे बने रहना क्योंकि आज है साल का पहला दिन। और कहते हैं ना कि जैसा हमारा साल का पहला दिन जाता है हमारा पूरा साल भी वैसा जाता है। तो भाई आज अच्छे से रहना, अच्छे अच्छे काम करना। और मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए उम्मीद करता हूँ कि ये साल आपके लिए बहुत बढ़िया जाए, अपने करियर में आप लोग सक्सेसफुल हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, हमारी सबकी हेल्थ अच्छी बनी रहे क्योंकि इस समय पर वो सबसे ज़्यादा चीज़ प्रायोरिटी में रहनी चाहिए। और भाई आपको जो पूरा साल है ना वो बिल्कुल पीछे दिख रही है, आग बिल्कुल आग लगाने वाला जाए ऐसी मेरी उम्मीद है। तो ये मेरी आपके लिए विश थी न्यू ईयर के लिए, ये दिल से बोल रहा हूँ ना मैं, मतलब सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं सच बताऊँ तो व्हाट्सएप पे ऐसे किसी को फॉरवर्ड वगैरह भी नहीं करता, ना मैं किसी से बात करता हूँ क्योंकि मेरी जो मेरे से बात करने के लिए लोग हो आप ही हो, तो आप ही के साथ जो मेरा सारा दिन जाता है। तो ये जो सारी बातें हैं वो दिल से निकली हैं। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, फिर से साल की पहली वीडियो है, तो WWE की कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं और ऑल इलीट रेसलिंग के बारे में भी। रोमन रेंस ने साल के एंड होते होते ना एक बहुत ही इंप्रेसिव रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रोडी ली के बारे में, एक बहुत ही इमोशनल वीडियो हमको WWE की तरफ से भी उनकी देखने को मिलती है। सेथ रॉलिंस का क्या जो रिटर्न है वो कैंसिल हो चुका है स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए। जिंदर माल के बारे में आप लोग पूछ रहे थे तो वो भी मेरे पास आपको बताने के लिए। तो बहुत सारी स्टोरीज है, कल की स्मैकडाउन के बारे में बात करेंगे। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। और भाई नया साल है तो पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब कर दोगे तो क्या चला जाएगा। इस साल हमारा जो गोल है वो और भी ज़्यादा सक्सेसफुल होने का, ग्रो करने का। 2021 साल को एक बिल्कुल नई तरीके से शुरू करते हैं। और सबसे पहले गाइस हम लोग शुरुआत करते हैं रिडल के साथ, मैट रिडल के साथ जिनका नाम रिडल हो चुका है। और गाइस एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उनके बारे में सामने आई कि WWE के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कुछ टाइम में ख़त्म होने वाला था। और जब WWE ने रिडल को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया तो रिडल ने मना कर दिया। अब एग्जैक्ट इसके पीछे क्या रीज़न था, क्या पैसे कम हो रहे थे या फिर WWE के साथ काम करने में उनका इंटरेस्ट नहीं है, ऑब्वियसली बुकिंग की वजह से भी हो सकता है। लेकिन वो खैर जो भी हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फाइनली WWE ने एक ऐसा ऑफर दिया रिडल को जो कि रिडल मना नहीं कर पाए। और 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिडल ने फाइनली WWE के साथ जो है साइन कर लिया है। और पर साल के उनको मिलेंगे $400,000 जो कि अगर मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो लगभग 3 करोड़ रुपये के आसपास होते हैं। और अगर वो सऊदी का शो करते हैं तो उसके लिए $50,000 उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो रिडल को मिल चुका है। अब मैं तो इसको ऐसा ही मानूंगा कि अगर बुकिंग अच्छी हुई तो ठीक है, वरना ऐसा लगेगा कि भाई जो हमारे रिडल है ना वो बलि के बकरे बन गए कि WWE ने अब लपेटे में ले लिया कि भाई अब तो कॉन्ट्रैक्ट में आ गया है, अब हम तेरे साथ जो करें, तेरे को हम किस तरीके से पकाएं, किस तरीके से काटें, ऐसा सीन हो रहा है यहाँ पर। वैसे ये मैं बकरे के लिए बोल रहा हूँ, रिडल के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो ऐसा कुछ यहाँ पर सीन हो सकता है। अब देखो उनकी बुकिंग कैसे होती है। वैसे देखकर तो ये लग रहा है कि उनको US चैंपियनशिप के लिए मौका मिलने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो ये काफ़ी हद तक उनके लिए सही बात होगी क्योंकि विंस मैकमैन कहने के मुझे लगता है कि रिडल से इंप्रेस जरूर हैं। फिर चाहे उन्होंने ब्रॉक लेसनर के लिए कुछ कहा हो या फिर गोल्डबर्ग के लिए कुछ कहा हो, है तो उनके अंदर दम कुछ ना कुछ, ये बात हमको माननी पड़ेगी। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और ये जुड़ी है ब्रोडी ली से। और मैंने आपको कल वाले वीडियो के अंदर बताया था कि कैसे डायनामाइट के शो पर भाई क्या कमाल का ब्रोडी ली का ट्रिब्यूट था। और लुक हार्पर को अगर आपने जरा भी नहीं पसंद किया होगा कभी भी, लेकिन अगर आप पूरा डायनामाइट का शो देखोगे आप मजबूर हो जाओगे कि भाई कितनी ज्यादा ये अनफॉर्चुनेट चीज है कि हमको ल्यूक हार्पर, ब्रोडी ली, जॉन हूवर अब हमारे साथ नहीं है। और गाइस एक चीज ना, WWE के फैंस या फिर आप कह सकते हो रेसलिंग के फैंस कह रहे थे WWE के बारे में कि WWE ने तो कोई स्पेशल ट्रिब्यूट दिया ही नहीं, मतलब जैसे डायनामाइट का पूरा शो तो उनकी थीम पर बेस्ड था, लेकिन WWE ने क्यों कुछ नहीं किया। मतलब लुक हार्पर इतने टाइम तक WWE के साथ थे, आई गेस 7 साल तक थे, लेकिन कुछ WWE ने उनके साथ उनके लिए खास नहीं किया। और गाइस फाइनली WWE ने एक पूरी हम कह सकते हैं ट्रिब्यूट वीडियो डाली जिसके अंदर हमको काफ़ी ज़्यादा स्टार्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप लोग फोटोज के अंदर देख सकते हो। और भाई जो वीडियो की स्टार्टिंग ही है ना वो इतनी इमोशनल तरीके से होती है, जहाँ पर जेवियर वुड्स लुक हार्पर के बारे में बातें बोलते बोलते ही रो गए। जेसन जॉर्डन भी यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल थे। एडम पियर्स हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, कीथ ली यहाँ पर हैं, जॉन मॉरिसन यहाँ पर हैं। हर कोई बंदा अपनी अपनी स्टोरी शेयर कर रहा है कि कैसे लुक हार्पर के साथ उनके कितना अच्छा कनेक्शन था। और ये सारी बातें देखकर हमें ये तो पता चल गया कि हमने लुक हार्पर को सिर्फ टेलीविजन के ऊपर देखा है, ब्रोडी ली को हमने टेलीविजन के ऊपर देखा है, लेकिन अंदर से वो कितने अच्छे इंसान थे। और ये बात भी सामने आ रही है कि WWE ने वाली वीडियो को इतनी देर में रिलीज क्यों किया, रॉ के एपिसोड में हमको क्यों नहीं दिखाया। तो इसके पीछे रीजन है कि WWE पहले ऑल एलीट रेसलिंग को मौका देना चाहती थी कि पहले वो उनके लिए ट्रिब्यूट वीडियो लाए। मतलब एक तरीके से ये इसलिए था क्योंकि ब्रोडी ली क्योंकि AEW के साथ साइन थे तो WWE वेट कर रही थी कि पहले वो अपना पूरा अच्छे से शो कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है अपनी वीडियो में निकालेंगे। अब अगर ये रीजन है तो सही है, लेकिन मैं इतना कंप्लेन भी नहीं करूंगा भाई। ट्रिब्यूट तो ट्रिब्यूट होता है किसी भी तरीके से दो। यहां पर अगर लोग इस बात पर भी लड़ जाएं कि WWE ने अच्छे से ट्रिब्यूट नहीं दिया तो मेरे को लगता नहीं है वो कहीं से भी सही बात होगी। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और ये जुड़ी है मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल से। बहुत आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई जिंदर महल कहां गायब है। तो सबसे पहले तो अगर आप भूल गए तो
आपको याद दिला देता हूँ कि उनकी नी में जो है उनको फिर से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से वो वापस तो आए थे लेकिन उनको दोबारा से अपनी रिकवरी के लिए जाना पड़ा। और भाई सोशल मीडिया के ऊपर इस समय जिंदर महल कमाल के नजर आ रहे हैं, आप लोग यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर ये वाली वीडियो देख सकते हो जो कि खुद जिंदर महल ने डाली हुई है। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा वेट भी गेन कर लिया है, ऐसा लग रहा है कि वो बल्किंग कर रहे हैं। और ये भी देखकर लग रहा है कि उनका टाइम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ सकता है कि वो WWE में वापस आ जाएं, क्योंकि आपको पता है रॉयल रंबल का टाइम है, ये एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर हर एक सुपरस्टार चाहता है कि वो वापस आ जाए, क्योंकि फिर रेसलमेनिया का टाइम शुरू होगा। और रेसलमेनिया अगर आप मिस कर रहे हो, रेसलमेनिया का सीजन अगर आप मिस कर रहे हो, तो ये बहुत बेकार बात होती है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर जिंदर महल इस वीडियो को देखकर लग रहा है पूरी तरीके से फिट हैं, तो WWE शायद वेट कर रही होगी कि एक प्रॉपर एक उनके लिए स्टोरी लाइन तैयार की जाए और उसके बाद जो है जिंदर महल वापस आ जाए। और मैं विश करता हूँ कि इस बार जब वो वापस आएंगे तो उनके साथ कोई इंजरी वाली प्रॉब्लम फिर ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है ना किसी सुपरस्टार के साथ बार बार, तो विंस मैकमैन की नजर उसके ऊपर टिक जाते हैं कि ये ज्यादा इंजर्ड हो रहा है, मतलब इसका मामला थोड़ा गड़बड़ है। तो आई होप जिंदर महल जल्दी से वापस आ जाएं। और वीडियो के अंदर तो भाई वो काफी ज्यादा फिट नजर आ रहे हैं। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और ये जुड़ी है मंडे नाइट मसाया, जो कि फॉर्मर थे अब बन चुके हैं स्मैकडाउन सेवियर सेथ रॉलिंस। और जैसे मैंने आपको बताया था ना एक वीडियो के अंदर कि फॉक्स वालों ने खुद से एक ट्वीट डाला जहां पर वो बता रहे हैं कि सेथ रॉलिंस जो है हमको स्मैकडाउन के एपिसोड में देखने को मिलेंगे नए साल पर जो आने वाला, यानी कल के एपिसोड में। लेकिन सडनली क्या होता है कि सेथ रॉलिंस के बारे में जो भी पोस्ट करी थी उन्होंने वो सारे डिलीट कर दिए हैं, और जो कल के स्मैकडाउन के लिए चीज़ें एडवर्टाइज है वहाँ पर हमको सेथ रॉलिंस का नाम देखने को नहीं मिल रहा। अब इससे क्या ये मतलब है कि सेथ रॉलिंस हमको कल स्मैकडाउन के शो पर नहीं देखने को मिलेंगे? क्योंकि अगर सेथ रॉलिंस को कल स्मैकडाउन के शो पर आना तो WWE उनको हैविली एडवर्टाइज करती, लेकिन कल का जो प्रीव्यू आप लोग कह सकते हो हमको देखने को मिल रहा है, वहाँ पर सेथ रॉलिंस का नाम कहीं पर भी नहीं है। और ऐसा क्यों है मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, मतलब अगर सेथ रॉलिंस को पहले एडवर्टाइज कर दिया उसके बाद अब वो नहीं आ रहे, हो सकता है कुछ प्लान्स में चेंज हो या फिर थिंग्स चेंज हो गई हो, या सेथ रॉलिंस ने मना कर दिया हो आने से, हो सकता है कि उनका एक हफ्ते डिले हो जाए अगले स्मैकडाउन के अगले स्मैकडाउन के शो पर आए, लेकिन फिलहाल WWE एडवर्टाइज नहीं कर रही। अब एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है इसके लिए तो हमको स्मैकडाउन को ट्यून करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ये चीज़ जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी ताकि आप ऐसा ना कहो कि भाई रोहित ने तो बताया था कि सेथ रॉलिंस आने वाले हैं, क्योंकि WWE के फॉक्स के ट्विटर अकाउंट ने खुद से वो सारे जो ट्वीट हैं वो डिलीट कर दिए। लेट्स सी कल स्मैकडाउन के शो पर क्या होता है। और बात हो रही है कल के स्मैकडाउन के शो की, तो मैं आपको बता देता हूं बहुत सारी चीजें WWE ने कल के शो के लिए एडवर्टाइज कर दी हैं। सबसे पहले तो गाइस आपको बिगी वर्सेस किंग कॉर्बिन का मैच देखने को मिलेगा, और ये नॉन टाइटल मैच होने वाला है, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ऑन द लाइन नहीं होगी। सैमी ज़ेन तो भाई बहुत ज्यादा रो रहे थे कि मेरे से चैंपियनशिप ले ली, लेट्स सी आगे क्या वो इस चैंपियनशिप को दोबारा से पा पाते हैं या फिर नहीं। इसके अलावा हमको एक टैग टीम मैच भी देखने को मिलेगा जो कि होने वाला है कार्मेला एंड बेली वर्सेस बियांका बेलेयर एंड स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन साशा बैंक्स का। इसके अलावा गाइस रोमन रेंस का एक स्पेशल सेगमेंट WWE एडवर्टाइज कर रहे हैं, जहां पर वो कह रहे हैं कि रोमन रेंस स्पेशल रिक्वेस्ट करने वाले हैं केविन ओवंस के ऊपर जीत के बाद। अब रोमन रेंस क्या डिमांड लेकर आते हैं, क्या उनकी तरफ से बातें होने वाली हैं, यहां पर कुछ ना कुछ WWE जिस तरीके से एडवर्टाइज कर रही है कुछ ना कुछ तो मतलब है होने वाला है यहां पर गड़बड़ वाला मामला। अब वो क्या होता है, कैसे होता है, रोमन रेंस का अगला चैलेंजर कौन होगा, ये भी काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। लेकिन ये सारे जो आंसर है वो हमको कल के स्मैकडाउन के शो से मिल जाएंगे। और खत्म करते हैं इस वीडियो को रिकॉर्ड के साथ। और गाइस रोमन रेंस ने बहुत ही इंप्रेसिव रिकॉर्ड बनाया है, अगर आप 2020 के साल की बात करो तो रोमन रेंस का गाइस जो विन परसेंटेज है वो अब तक का उनके करियर का सबसे ज्यादा है, जो कि है 90.6%। यानी अब तक रोमन रेंस ने 2020 साल में लाइव इवेंट्स को मिलाकर जितने भी मैचेस हासिल करे उनका विन परसेंटेज रहा 90.6। और गाइस अगर मैं आपको बताऊं तो रोमन रेंस ने 32 मैचेस के अंदर कंप्लीट किया जिसमें से 29 मैचेस में उनकी विक्ट्री रही है, बाकी एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला और 2 मैचेस के अंदर उनको हार मिली। तो ये काफी इंप्रेसिव रिकॉर्ड है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इससे पहले रोमन रेंस का रिकॉर्ड कब अच्छा था, तो 2016 साल के अंदर 89.3% था उनका विन परसेंटेज। लेकिन आप देख सकते हो कि रोमन रेंस को पहले ओवर पुश कहा जाता था, लेकिन इस साल भी वो मैचेस काफी जीते हैं, लेकिन किसी ने उनको ओवर पुश नहीं कहा क्योंकि उनके कैरेक्टर के साथ जो चीजें हुई है वो काफी बढ़िया है। और अगर आप ये पूछ रहे हो कि 2020 साल में सबसे ज्यादा मैचेस किसने जीते, तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर जो कि एक करंट WWE चैंपियन, उन्होंने 47 मैचेस इस साल जीते हैं जो कि किसी भी और WWE सुपरस्टार से ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर और रोमन रेंस ने साल को एक बहुत ही इंप्रेसिव स्टैट के साथ खत्म किया है। और हम भी इस वीडियो को इसी स्टैट के साथ खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बिना कहीं मत जाना, बाकी कमेंट करके बताओ कि नए साल पर आपके क्या कुछ प्लान्स हैं, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन, क्योंकि चैनल के ऊपर पूरे साल आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने को मिलती रहेंगी। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।